हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको अंडा करी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। आप इस प्रकार की अंडा करी अपने घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हो। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए इसका थिकनेस, देखिए इसका कलर, देखिए। तो इसी प्रकार की अंडा करी आप बनाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंडा करी बनाने के लिए हमें लगेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और टोमेटो। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। उसी के साथ हमें कुछ खड़े मसाले लगेंगे, जिसमें हमने लिया है जीरा, जावित्री, यहाँ पे हमने लिया है 2 करम फूल, 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 2 कलमी और 2-4 हमने इसमें लिया है तेज पत्ता। इन खड़े मसालों की हमको ज़रूरत है अंडा करी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम प्याज, टोमेटो और अदरक लहसुन का एक पेस्ट बना लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम एक में ही ऐड कर लेंगे। देखिए प्याज, अदरक, लहसुन और टोमेटो को भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसी के साथ 1/2 टीस्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर। और देखिए 1.5 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे देगी मिर्च पाउडर और उसी के साथ हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। देखिए तो इन मसालों को हमने निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक नॉन स्टिक का पैन। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहते हो तो आप उसमें भी इसको बना सकते हो। ऑयल को हम अच्छी तरीके से हीट होने देंगे। उसके बाद खड़े मसालों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इनको बिल्कुल 1 मिनट तक हम तिड़कने देंगे ताकि जो इनका टेस्ट है ना अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। देखिए खड़े मसालों को आपको अच्छे तरीके से पकने देना है जब तक कि अपना टेस्ट ना छोड़े। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, जिसको हमने पहले से ही बना के रख दिए थे, और अच्छी तरीके से पलटा चलाते रहेंगे। पेस्ट को आपको नीचे लगने नहीं देना है और बिल्कुल जलने नहीं देना है, और इसको हम बिल्कुल गोल्डन टू ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो आज हम 10 से 12 अंडों की अंडा करी बनाने वाले हैं। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कमियां ज़्यादा ले सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है ये अंडा करी बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्याज का पेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए इसने बिल्कुल गोल्डन टू ब्राउन कलर आ चुका है जो आना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसको पकने देना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटा टोमेटो। तो आप इसकी जगह टोमेटो का पेस्ट भी बना सकते हो। हमने इसमें टोमेटो का पेस्ट नहीं बनाया, हमने इसमें चॉप करके टोमेटो को ऐड कर दिए है। देखिए तो थोड़ी देर तक हम टोमेटो को गलने तक पकने देंगे। देखिए इस लेवल में आपको गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा देनी है और हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट प्रॉपर तरीके से पक चुका है। इसी प्रकार से आपको इसको पकने देना है और हमारे यहाँ पे टोमेटो को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसालों को ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से ही निकाल के रख दिए थे। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप कम स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मसाले ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इनको पकने देंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़े। ओके फ्रेंड्स, और अच्छे तरीके से आपको पलटा चलाते रहना है। बिल्कुल मसाला नीचे लगने नहीं देना है और बिल्कुल जलने नहीं देना है। इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जलने से हमारे ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल मसालों को नीचे लगने नहीं देना है। बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक मसालों ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको पकने देना है जब तक कि ऑयल ना छोड़े। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा सूखा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक हम इसको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो और थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए है और अच्छे तरीके से पलटा चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखना है।
और हमारे ग्रेवी ने बिल्कुल, देखिए फ्रेंड्स, ऑयल छोड़ दिए है, हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेंगे और उसी हिसाब से हम इसके अंदर और पानी ऐड कर लेंगे। देखिए ये है हमारी प्रॉपर तरीके से ग्रेवी, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम अंडों को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 12 अंडे लिए हैं, अंडों को हमने पहले से ही बॉईल करके रख दिए थे। तो उसके बाद हम लेंगे एक स्टेनलेस स्टील का पैन, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से हम हीट होने देंगे। देखिए बिल्कुल हल्का ऑयल हीट होने के बाद हम अंडों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से हम इनको फ्राई होने देंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर, आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और थोड़ा सा हमने इसमें नमक को भी ऐड कर दिए थे। अंडों का कलर चेंज होने तक आपको इसको पकने देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अंडे भी पक चुके हैं, इनमें बिल्कुल अच्छा गोल्डन टू ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर ऐड कर लेंगे। हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो अंडों को आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो आज की हमारी अंडा करी है साउजी अंडा करी, हमने इसमें थोड़ा स्पाइसी बनाया, तो आप अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। तो आप अंडा मसाला बनाना चाहते हो तो आप इसमें पानी का यूज ना करें, या आप अंडा करी बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हो। आज हम थोड़ी पतली ग्रेवी बनाने वाले तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब हम इसको सिर्फ एक बॉईल आने तक पकने देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है। देखिए हमारे अंडा करी में बहुत ही अच्छा तरीके से कलर आ चुका है, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम इसको एक बॉईल आने तक पकने देंगे। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अंडा करी में बिल्कुल बॉईल आ चुका है, हमारी अंडा करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए इसका कलर, देखिए इसका थिकनेस, देखिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।